वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने स्कूल का टूर बताने वाली हूँ, जिस तरीके से क्या एक्चुअली आज हमें स्कूल में बुलाया गया था कि CUET 2023 के बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड करने के लिए, जो क्लास 12th के हमारे जूनियर्स हैं, यंगस्टर हैं, उनको बताने के लिए। अब मैं स्कूल पहुँच गई, तो स्कूल में पहुँचने के बाद बहुत अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि सारी नई चीज़ें इधर ज़्यादा थे हो गए। और ऑडिटोरियम जब पूरा खाली था, जब स्टूडेंट्स आए नहीं थे, तब उससे पहले हम यहाँ मैंने वीडियो शूट कर लिया था कि मेरा ऑडिटोरियम ऐसा है। फिर मैं सभी टीचर्स से मिलने गई थी, ये कॉरिडोर है, और मैंने टीचर से मिलते टाइम रिकॉर्ड नहीं करा। और ये बाहर का प्लेग्राउंड, यहाँ पे हमने बहुत वॉलीबॉल खेली है, 1-1 आवर हम यहाँ वॉलीबॉल खेलते थे छुट्टी होने के बाद भी, बहुत अच्छा लगता था। स्टेयर्स यहाँ बहुत अच्छे मेमोरीज हैं हमारी, स्टेयर्स पे हमने बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर रखे हैं। एंड देन उसके बाद हम अपने ऐसे घूमते घूमते और फिर हम पहुँच गए थे और ये स्टार्ट हो गया। ओके, आवाज़ आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो आप सब भी एक तरह से ना गिलास की तरह हो जो पानी से पूरा भरा हुआ है, हम चाहे जितना ऊपर से डाल देते फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, गिलास पानी से भरा हुआ है तो ऊपर से कितने पानी बाहर निकलेगा। Behind my stone cold eyes, I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज, क्योंकि आज मेरी 1 से 5 क्लास थी, तो मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। और फिर उसके बाद मेरी क्लास 2 आवर्स की हो भी चुकी थी। आज हमारा स्किल था, सेक्ट था, जो कि होता है स्किल्स के लिए, जिसमें हमें स्प्रेडशीट ये सब करना होता है। पटेल चेस्ट है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कैंटीन से हमारा थोड़ा सस्ता प्राइस मिल जाता है, जैसे कैंटीन में थोड़ा महंगा रहता है और छोटा भी रहता है, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा मिलता है जैसे नॉर्मल हमें लेना होता था, हम बाहर आके खाए थे। फिर उसके बाद ये मेरा DSC जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा है जहाँ पे हम आके ये कंप्यूटर हमें स्प्रेडशीट करनी थी, तो हम स्प्रेडशीट कर रहे थे। और ये हमारा पूरा लैब है जिसके अंदर जिसको जो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लैब है, एक में किसी में लिनक्स सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सारा विंडो का सिस्टम है। और ये हमारा आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को देख के काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है हमारी। जब फोटो वोटो में देखते तो हमें लगता था कि इतना कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जब मैं सामने हूँ तो मेरे को सब अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने घर के लिए निकल चुकी थी और ये 5 बजे छुट्टी हुई थी, तो हम 5 बजे निकल रहे थे। आप मौसम देख रहे इस टाइम कैसा हो रहा है, ठंड बढ़ने लग रही थी। और मैं घर आते आते मेरे को अंधेरा हो जाता है, क्योंकि 6:30 तो बज ही जाते हैं, तो ये मैं घर के लिए निकल चुकी थी। आपको कैसी लगी वीडियो, आप मुझे बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।